मेरे तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसा कोई अपना ही मर गया। आइए इनसे इनकी वीडियो के बारे में जानते हैं जो इस कदर वायरल हुई और लाखों की तादाद से लोगों ने इसे देखा। आप तो एक सेलिब्रिटी बन गई। हाँ जी, तो मेरा ये रिएक्शन इस तरह से आया था, और ये ओरिजिनल था, फेक नहीं था। बेटा वकार तो को बोलूंगी, अभी तो वो मुझे शायद देख रहे होंगे। हाँ। तो मैं उनको बोलूंगी कि ठीक है, आप मुझे, वो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो मुझे वो काम दिलवाए और मैं करूंगी। मेरी सिस्टर मुझे सपोर्ट कर दिया, ये दोनों ही बात भी करते हैं। और मैं जस्ट अपने तक महदूद थी, मैं अल्लाह माफ करे, वीडियो में कोई गलत कपड़े नहीं पहने हुए, कोई मैंने गलत बात नहीं की, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैं जस्ट अपने फ्रेंड्स की सर्कल तक एक बात बोल रही थी, और मुझे नहीं पता था वो इतनी वायरल हो जाएगी। मैं, हाँ आपको पता है वकाल का मेरी वीडियो एडिट, वीडियो का वायरल होना और वीडियो बनाना ये मेरा कोई प्री प्लान नहीं था। मैं बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहती हूँ, कहती तू तो बस इस काम में ऐसे लगे रहो, मुझे इग्नोर की। लोगों ने बहुत बुरा बुरा बोला हुआ था, मतलब गालियां भी दी हुई थी। अच्छा, टिकटॉक की वजह से काफी लोग प्रमोट भी हुए हैं, उनको काफी चैनल से ऑफर्स भी आई हैं, जैसे कि निमरा अली है। मुझे ड्रामा में शौक है, एंकर का शौक है, लाइक गुड मॉर्निंग शो हो तो बेस्ट है, मैं बोल सकती हूँ। मुझे लोग कह रहे तुम स्टार हो गई हो, तुम फेमस हो गई, तुम्हारा नाम हो गया। हाँ हाँ, आपको मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी। ना फेम मिले और एक नॉर्मल सी लड़की को तो भाई हजम करना थोड़ा तो मुश्किल होता ही है ना। फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर था, कमेंट्स ये वो। वैसे एक बात आप माने, मैंने पूरे पाकिस्तान, पूरे टिकटॉकर्स की दिल की बात अपनी वीडियो में बोली, और ये जो मैंने मेकअप की ये भी मैंने खुद ही किया। अच्छा। मैं पार्लर शार्लर से ये अच्छा मेकअप किया हुआ है आपने। मुझे वीडियो में तो मैं रोई सो रोई, वीडियो फेमस होने के बाद भी मुझे बड़ा दुख लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़लालत के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस मुनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर 2020 को टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से टिकटॉक को पहले भी जून के महीने में एक वार्निंग जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि नाज़ेबा मवाद को टिकटॉक से हटाया जाए और इस वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन को रेगुलेट किया जाए। लेकिन टिकटॉक की जानिब से कोई मौसर इकदाम ना उठाए गए, जिसकी वजह से पीटीए ने पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन कर दिया। इस हवाले से अवाम का क्या रद्द अमल रहा है ये तो आपने देख ही लिया होगा। इसी बैनिंग कल्चर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो खातून जिनकी एक वीडियो टिकटॉक के बैन होने के बाद इस कदर वायरल हुई कि उसे मिलियंस के हिसाब से दुनिया भर में देखा गया। इस वीडियो में ऐसा क्या था और ऐसी कौन सी बातें थी जिनको अवाम ने इस कदर पसंद किया और लाखों की तादाद से लोगों ने देखा और शेयर भी किया। आज वही खातून हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो इस वीडियो में फूट फूट कर रो रही हैं कि टिकटॉक को बैन क्यों किया गया। इस वीडियो के मुतालिक उनसे जानने से पहले आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिर उस वीडियो में था क्या, और फिर जानते हैं इनसे कि आखिर वो वीडियो क्यों बनाई गई, उसके पीछे वजह क्या थी, और बाकी के मामला देखते हैं इस वीडियो के बाद। न्यूज़ में था कि टिकटॉक बैन हो गई। एक ही तो हमारा जरिया था एंजॉय का, एंटरटेन का, थोड़ा सा दिल लगा रहता था, टिकटॉक बना लेता है बंदा। मैं तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसा कोई अपना ही मर गया। टिकटॉक बंद करने की क्या जरूरत थी, टिकटॉक किसी के साथ कौन सी दुश्मनी थी। जी नाजरीन, तो आप इस वीडियो से समझ ही गए होंगे कि ये खातून कौन है। तो हमारे साथ मौजूद है मैडम शहाना सियाल, जो कि एक टिकटॉकर हैं और टिकटॉक पर तकरीबन इनके 2,40,000 फॉलोअर्स हैं, और ये एक स्टूडेंट भी हैं। आइए इनसे इनकी वीडियो के बारे में जानते हैं जो इस कदर वायरल हुई और लाखों की तादाद से लोगों ने इसे देखा। जी शहाना, तो टिकटॉक के बंद होने के बाद आप पर क्या गुजर रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? साहब मेरे पे क्या गुजर रही है, वो तो आप सबने, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने और इंटरनेशनल लेवल पे सबने देखी। हाँ, बिल्कुल देखा, क्योंकि मुझे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, लाहौर में नहीं, मुझे बहुत सारी कंट्रीज से भी मैसेज कॉल्स आई हैं, दुबई से हो गया, सऊदीया से, बेल्जियम से,
और अपना मलेशिया से। जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपको पूरी दुनिया से कॉलें आई हैं, तो इस तरह तो आप कोई टिकटॉकर तो ना हुई, आप तो एक सेलिब्रिटी बन गई। हाँ जी, पहले तो मैं टिकटॉक बनाती थी और अब मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम फेमस हो गई हो, तुम स्टार हो गई हो, तुम ये हो गई हो, वो हो गई हो। देखिए जब टिकटॉक और मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम फेक ड्रामा करी थी, ये करती वो करती। देखिए और बाद में कोई एक और ऐप आई है APN VPN कुछ इस नाम से, उससे लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं। तो ये जो आप वीडियो में रो रही थी, ये क्या ओरिजिनल था या कोई वैसे ड्रामा किया आपने? तो मेरा ये रिएक्शन इस तरह से आया था और ये ओरिजिनल था, फेक नहीं था बिल्कुल। मैं ओरिजिनल थी यार, वो मुझे मैंने इस तरह से वीडियो बनाई थी कि मैं सुबह मतलब लेट ही उठी थी इवनिंग में, तो जब मैं उठी हूँ, उठ के मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के तो मैंने ऐसी बस पहले मैं उठते साथ मैंने मोबाइल खोला, टिकटॉक खोली है, मैंने टिकटॉक पता नहीं क्यों नहीं चल रही, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मैंने कहा चलो आप स्कूल से देखूंगी। तो उसके बाद नमाज पढ़ के आगे मैंने बैठी तो मुझे मैसेज रिसीव हुआ मेरे कजन का, कहते हैं मैडम शाहाना जी आपकी तो टिकटॉक बैन हो गई है। मैंने कहा फजूल बकवास मारे, जब मैंने डिफरेंट अपनी फ्रेंड्स की ग्रुप में देखा मैसेज आ रहे हैं टिकटॉक बैन, तो मैंने टिकटॉक खोली, मैंने कहा टिकटॉक, और मजे की बात मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ, मेरी अपनी प्रोफाइल की वीडियोस भी मुझे नहीं नजर आती। असल में तकलीफ दुख तो मुझे इस बात का रोना पिटना था कि मेरी वीडियोस कहाँ चली गई हैं। तो एक ऐसी लाइट से मुझे फ्रेंड्स के ग्रुप में अपने अपने ओपिनियन दो, ये करो वो करो, मैंने मुझे क्या पता था कि मेरी जो वीडियो है ये चलेगी कोई न्यूज चैनल पे चलेगी या फेसबुक पे इतनी ज्यादा। तो आपकी ये वीडियो किस तरह से इतनी वायरल हो गई? मैंने वायरल नहीं की, देखिए मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे लोग तुमने ना फेम लेने के लिए ये वायरल किया, ऐसा किया वैसा किया, मैंने कहा नहीं यार मैं कोई ऑलरेडी ना कोई मैं सुपरस्टार हूँ ना सेलिब्रिटी हूँ, मैं कुछ मुझे लोग जानते ही नहीं है, ये जस्ट मैंने सिंपल वीडियो बनाई। टिकटॉक पर आपने काम कब से स्टार्ट किया, मतलब कि कब से आप इतनी मेहनत कर रही थी और अब जाके आपकी एक वीडियो वायरल हुई है वो भी टिकटॉक के बैन होने के बाद? मेहनत मैंने की भी थी, पूरा साल लगाया था मेकअप करना, रेडी होना, माइंड मिलाना, अच्छा इस कैसे लिपसिंग करनी है वो, और ये प्लान ही होता है आपका। हाँ। लेकिन उस टिकटॉक की वजह से मेरी वीडियो का वायरल होना और वीडियो बनाना ये मेरा कोई प्री प्लान नहीं था, मैं बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स यार तुमने क्या चुस मार दिया, चवल मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मैंने कहा यार मैंने क्या किया है, इनका मजाक, मैंने कुछ लोगों को ऐसे ही बोल दिया कि यार मैंने मजाक में वीडियो बनाई थी वो, तो वो वायरल मुझे नहीं पता कैसे हुई है। असल में मैंने तो अपना दुख बोला, जैसे एक बात है कि मैं बाहर के बंदे को तो अपनी दिल की बात नहीं ना बताऊंगी, बिल्कुल कोई मुझे पूछे मैं कहूँगी हाँ यार बड़ा दुख हुआ बस क्या बताऊँ ऐसे, मैं अपनी फ्रेंड को ही दिल की बात खोल के करूंगी ना, तो फ्रेंड्स के ग्रुप में मैंने दिल की बात बहुत ही ज्यादा खोल के जो मैंने बोली है ना। तो उस वीडियो में आपने बात क्या की? अल्लाह, मैंने यही बताया था कि यार मुझे वाकई मुझे दुख लग रहा था, मुझे रोना भी आ रहा था और मैं रोई भी हूँ और मुझे बाकी सब मैं रो रही हूँ, पर सिस्टर मैं रो रही थी काफी ऊंचा ऊंचा रो रही थी क्योंकि मुझे छोटी वो भाई की बेटी था। हाँ जी देख लो हो गया पांच फ्रेंड थे वो, मुझे ना गुस्सा आ गया, मेरी पापा बोलती है मुबारक हो गया टिकटॉक वाली वाली तो खुश हो रहे थे ना, मैं घर में सब टाइम हाँ मैं टिकटॉक स्टार हूँ यार मैं इतने फॉलोअर्स हैं आराम से बात करो ये वो, इस तरह से मैं बात कर रही थी। उसके बाद मैंने गुस्से में आगे बोली मैंने ठीक है चले जब दफा हो जाए कमरे से ठीक है जो भी है जैसे भी है, मेरी बहन उठ के आई दूसरे रूम से कहती है क्या हो गया सब ठीक है ठीक है, तो मैं रो रही थी ठीक है और उस टाइम मैं वीडियो ही बना रही थी, कहती तू पागल होगी तू क्या वीडियो बना रही है और तू किसको दिखा रही है, वो कहती तू तो बस इस काम में ऐसे लग रहा है, उसे मुझे इग्नोर की, ये बस सिंपल मैं वीडियो बना रही हूँ और उसमें बता रही हूँ और दुख तो मुझे बाकी। एक तो आपको वैसे ही बहुत दुख होता है लेकिन जब आपको कोई टीज करता है तो आपको फिर और ज्यादा दुख होता है। कोई टीज करता है तो फिर वो दर्द तो यार क्यों कर रहे हैं ठीक है, और आपको जब इतने सारे लोग टॉन्ट करें बोलें तो फिर रोना आ जाता है आपको, और वो रोने रोने में मैंने वीडियो बना दी। और देखिए मतलब इस बात में आप ये कहना चाह रही हैं कि आप टिकटॉक की वजह से नहीं रोई, आप लोगों की वजह से रोई हैं जो लोगों का रिएक्शन था इस पे। बातों से भी रोई हूँ, दूसरी ये वजह थी कि मेरी सारी वीडियो गायब, मैंने ढूंढ रही थी मैं मुझे नहीं नजर आई, ये शायद मेरे साथ ऐसा हैपन होना था बिल्कुल मुझे नहीं नजर आई, तो मैंने खोला मैंने कहा यार पता नहीं मेरी एक साल की मेहनत इतनी वीडियो समटाइम आप सेव भी नहीं करते, बिल्कुल कुछ कुछ करते कुछ कुछ नहीं करते। तो इस पे आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने तो गालियां दी होंगी कि आपने ये क्या कर दिया? तो इस तरह से वो उसके बाद मुझे पीछे से वीडियो ये मेरी वायरल रातों रात ही है, रात को लेट नाइट मुझे मॉम की कॉल आती, मेरी मामा गई थी सिस्टर के घर आने के लिए,
मम्मा कहती हैं मैडम देख ली तुमने अपना कार्टून, मैंने कहा क्या हो गया मम्मा, मुझे सीरियसली लिटरली नहीं पता था कि ये क्या हो गया। मम्मा कहती व्हाट्सएप चेक करो, मैंने कहा अच्छा फोन बंद किया है व्हाट्सएप, मैंने खोला देखा उसमें उसमें जनाबे वाला वीडियो स्क्रीनशॉट थी, स्क्रीनशॉट वीडियो का तो था ही था, उसके नीचे असल में स्क्रीनशॉट जो थे ना कमेंट्स थे, लोगों ने बहुत बुरा बुरा बोला हुआ था, मतलब गालियां भी दी हुई थी। अच्छा हो गया, कुछ लोग तो सैड भी हो रहे थे। देखिए फाइव फिंगर आर नॉट इक्वल, जहाँ पे अच्छे होते वहाँ पे बुरे भी होते। टिकटॉक की वजह से काफी लोग प्रमोट भी हुए हैं, उनको काफी चैनल से ऑफर्स भी आई हैं, जैसे कि निमरा अली है उसकी एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद चैनल्स ने उसे बुलाया कि भाई आए आप हमें इंटरव्यू दें, तो उस पर निमरा ने पैसे मांगना शुरू कर दिए, जिस पे चैनल्स ने उसके खिलाफ न्यूज़ चला दी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जब कोई ऑफर होगी तो आप उसके हवाले से क्या करेंगे, मतलब कि किस लिहाज से आप लेके चलेंगे इसे? देखें अगर वो बेचारी पैसे मांग रही तो मैं तो उसके साथ ही हूँ, क्यों सब पेट सबके साथ होता है, अब फिर सो जरूरत होती है लड़कियों की, तो फिर नखरे भी बहुत ज्यादा होते हैं, काम जब करेंगे तो पैसे लेंगे, आना जाना होता है, आपका उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, लड़कियों की तो फिर स्टाइलिंग भी थोड़ा डिफरेंट बिल्कुल। और जिन लड़कियाँ जो गरीब घरों से थी, देखिये हमारा जो मुआशरा है ना, हम लोग चाहते हैं कि हर चीज फ्री में हो जाए, चैनल वाले भी तो पैसे कमा रहे हैं ना, अगर उसमें थोड़ा सा हिस्सा किसी को दे देंगे तो अल्लाह उसका उसकी हिस्से का रिस्क आपको दे रहे ना, आप कोई खुद से तो नहीं ना पैसे बना रहे हैं, तो देना चाहिए। नहीं ये भी तो देखें, एक चैनल वाला उठा रहा है उसको, एक चैनल का रिपोर्टर एंकर है उसको वो उठा रहा है, ठीक है वहां से तो अप किया उसने, उसी को बाद में कहता है मैंने पैसे लेने हैं, ये तो कितनी गलत बात है ना। फिर दोनों पार्टीज को थोड़ी प्यार मोहब्बत करना चाहिए, ठीक है उसको भी थोड़ा एहसास करना चाहिए उसको भी। अब मैं निमरा के बारे में मैं उसको नहीं जानती हूँ, उसका माइंड किस तरह से है कैसा नहीं है, अब अगर वो कुछ बोल रही थी तो उसकी कुछ ना कुछ होगी। वैसे मैंने उसका थोड़ा सा सुना था कि उसके फादर की डेथ हुई है। देखिए मुझे तो फेसबुक ने हिट किया, ठीक है मैं तो ड्रामों में काम करूंगी, न्यूज चैनल पे अगर मौका मिला तो काम जरूर करूंगी। मुझे जो मेन शौक है ना, जैसे फैसल कुरैशी के साथ काम करने का, हुमायूं सईद के साथ काम करने का, ऐसे हमारे और बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, मुझे ड्रामों में शौक है, एंकर का शौक है, लाइक अ गुड मॉर्निंग शो हो तो बेस्ट है, मैं बोल सकती हूँ। अब न्यूज चैनल में भी काम हो तो करूंगी, देखिए ये अल्लाह के हाथ में है कब आपने क्या करना है, आपका कोई प्री प्लान नहीं होता, ये अनप्लान सब कुछ है। वैसे ये टिकटॉक बनाने का शौक आपको कहाँ से पैदा हुआ? कैसे शौक पैदा हुआ? मैं वैसे टिकटॉक से पहले ही सॉन्ग लगा के ना, तो मैं ऐप के ऊपर मैं अपनी वीडियो बनाया करती थी, लाइक स्नैपचैट के ऊपर हो गया और अदर ऐप है आपको पता ही हुआ, भी और तब तक ये टिकटॉक नहीं थी, जब फिर मुझे टिकटॉक पता लगा तो मैंने इसके ऊपर बनानी शुरू कर दी, सिंपल इज दैट। मजा आता था, देखें ये टिकटॉक की जो वीडियो है इसने मुझे फेमस किया बिल्कुल। मुझे लोग कह रहे तुम स्टार होगी हो, तुम फेमस होगी, तुम्हारा नाम हो गया, हाँ हाँ आप तो मैं एटीट्यूड दिखाओगी, अब उनको ये नहीं पता मैं दो तीन रातों से सोई नहीं। वाकई आप दो तीन रातों से नहीं सोई? देखिए एकदम से जब आप इतना फेम मिले और एक नॉर्मल सी लड़की को, तो भाई हजम करना थोड़ा तो मुश्किल होता ही है ना। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर था, कमेंट्स ये वो, फैमिली ग्रुप में काफी सारी बातें, कजनों ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, बस अब ये आपको बहुत लंबी स्टोरी, फैमिली कजन अच्छा फलाना ढिमकाना, मेरी मामा की बेटी ने मुझे बोला हाँ हाँ तुम तो ऐसे कर रही थी वीडियो में, तुम रो धो रही थी, तुम अपील कर रही थी कि तुम्हें चांस मिले, ये मिले वो मिले, मैंने तो यार मैंने तो वो वीडियो बनाई थी अपना, वो थोड़ा सा बता मुझे इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि जस्ट फ्रेंड्स के साथ मैंने अपने दिल की बात शेयर की और मुझे नहीं पता था कि पूरी दुनिया के साथ। वैसे एक बात आप माने, मैंने पूरे पाकिस्तान पूरे टिकटॉकर्स की दिल की बात अपनी वीडियो में बोली, उन लोगों ने पूछा कि आपको कैसा फील हुआ, वो मशहूर है जी हाँ ठीक है हुकूमत के जो कि अच्छा कही क्या, असल में दिल से उनकी यही चीखें थी जो मैंने बोल दी। हाँ जब आपकी मैंने वीडियो देखी है तो मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा था कि बड़े बड़े टिकटॉकर्स जब पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये टिकटॉक बैन हो गया तो उनको कोई मसला नहीं है, तो ये लड़की क्यों इस कदर फूट फूट के रो रही है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? मुझे क्या पता था, देखिए टिकटॉकर्स और भी होंगी, मुझे इनका क्या पता, मुझे तो अपने से लेना देना ना, मैं तो अपनी चीजों की वजह से रो रही थी, मैं उनकी वजह से थोड़ी रो रही थी। टिकटॉक लड़की और मेकअप का आपस में क्या कॉम्बिनेशन, इसको लोग बड़ा जोड़ते हैं। बता रही हूँ
कि ये जो लड़कियों का मेकअप सजना सवरना ये औरतों में एक नेचुरल चीज है। हाँ, नेचुरल हो गई। ये जब से ये दुनिया बनी है ये सारे मामला तो ये औरत के साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। और अब थोड़ा सा मॉडर्न दौर आ गया तो ये जरा सी चीजें हम बोल्ड हो गए, हमें पता चल लग गया। और ये जो मैंने मेकअप की ये भी मैंने खुद ही किया, अच्छा मेकअप किया हुआ है आपने। तो मेरी भाष में ये जो सारी चीजें ये तो हम मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं जिस दौर में चल रही हूँ, मैं लाहौर में रह रही हूँ, कुछ छोटा शहर तो नहीं है। बिल्कुल। ये सब चीजें हम टाइम के साथ से सीख जाते हैं। अंदर से शौक था वो बस सामने आ गया है अब इसको। हाँ, लेकिन ये एक बात मैं बोलूंगी कि जो चीज मुझे वीडियो में तो मैं रोई सो रोई, वीडियो फेमस होने के बाद भी मुझे बड़ा दुख लगा। दुख किस बात का लगा, बेसिकली फैमिली मुझे क्यों बोली कि लोगों ने गलत कमेंट्स किए। बस असल में मेरी फैमिली के पास कैसे की वीडियो, मेरा नाम शहाना, शहाना के आगे जब सियाल आता ना, सियाल एक कास्ट है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत बड़ी कास्ट, अच्छी तरह जानता हूँ। आपको पता है जिम्मेदार बड़े बड़े लोग हैं हमारी सियालों के, और सिंध में भी बड़े लोग हैं सियाल, और ये आप दही एरियाज में चले जाएं और ये पूरा पंजाब, बेसिक लाहौर के बिलोंग करते हैं आप? नहीं नहीं, बेसिकली हम लाहौर के नहीं हैं। और ये बस टिकटॉक शौकिया तौर शौकिया थी, मजा आता था, बना लेती थी, और दिल में कभी कभी सोचती कि यार कभी तो मेरा नाम होगा। नहीं, इंशाल्लाह नाम बनेगा, इंशाल्लाह नाम बनेगा। और ये नहीं पता था कि टिकटॉक बनाते बनाते तो नाम नहीं बना, टिकटॉक बैन होने के बाद जरूर नाम होगा। अब क्या करूंगी, जैसे मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम फेमस हो गई हो, तुम्हारा नाम है ये वो। मैं हाँ, आपको पता है वकाल कक्का ने मेरी वीडियो एडिट की और उसने काफी सारा बोला, उसने देखी भी, और वो वीडियो में क्या था कि हाँ शहाना तुम मुझे वीडियोस भेजती, मैं तुम्हें फेमस करवा देता। तो मैं वकाल कक्का को बोलूंगी, अभी तो वो मुझे शायद देख रहे होंगे, तो मैं उनको बोलूंगी कि ठीक है आप मुझे, वो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो मुझे वो काम दिलवाए और मैं करूंगी। टीवी में हो जाए, ड्रामा में, तब भी ठीक है, मेरे में वैसे बहुत सारा टैलेंट है, कुछ भी कर सकती हूँ। टिकटॉक बंद हुआ है, बड़ा आप यानी कि बड़ी दुखी हुई हुई है, इसके ऊपर दो तीन बातें बोलो एक्टिंग के तौर पर। चलिए, मैं एज अ लाइक कोई फेमस लड़की टिकटॉकर शहाना सियाल हो गई हूँ, वही बोलती हूँ, एक्टिंग के साथ, एक्टिंग के साथ। शायद यहाँ पे कोई देख रहा हो, कोई फिल्म डायरेक्टर वगैरह को देख रहा हो, प्रोड्यूसर देख रहा हो कोई, चलो उसको मौका मिल जाएगा, फिर शहाना की कॉल भी आ जाएगी। अच्छा, लाइक आप मेरी फ्रेंड हैं और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ टिकटॉक के बारे में। यार आयजा, तुम्हें पता है मेरे मोबाइल की टिकटॉक बंद हो गई, इतनी मेहनत की थी यार मैंने, पूरा साल लगाया था इसके ऊपर, इतनी ज्यादा वीडियोस बनाई थी, इतना नाम बनाया था, हर कोई मुझे बोलता था टिकटॉक स्टार शहाना सा, टिकटॉक स्टार शहाना सा, इवन की मेरे टीचर्स भी मुझे बहुत लाइक करती थी। और अब ये टिकटॉक बंद हो गया, अब क्या करूंगी यार, मैं इसके ऊपर अच्छी खासी वीडियोस बन जाती थी, स्टेटस पे लेते लोग कहते यार ये तुम्हारी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, ऐसी बहुत अच्छी है, मैं क्या करूंगी यार टिकटॉक। इतना मजा आता था मेरी अपने टिकटॉक बनाने के अलावा लोगों को देखने का भी बड़ा मजा आता था, अच्छी बुरी सारे वीडियोज होती थी, सम टाइम आप कॉमेंट्स भी कर लेते थे। जी नाजरीन, तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, इस वीडियो के वायरल होने के बाद शहाना पर एक फतवा भी लगाया गया है, तो इस हवाले से हम शहाना से बात करते हैं कि ये किस मौलवी ने फतवा लगाया आप पे, और क्या कहा है ये फतवा, किस लिहाज से उन्होंने फतवा लगाया आप पर? जनाब किसी ने फतवा मतलब इस तरह से फैमिली में किसी को बोला कि जनाब ये तो क्या कहते हैं इसको, वाजिबुल कत्ल है। मेरी सिस्टर मुझे सपोर्ट कर दिया, ये दोनों ही वाजिबुल कत्ल है। यार ये बात सुने, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मुल्क की, आपके फैमिली की, आपके शहर की कोई लड़की थोड़ी सी आगे आ जाती है, मैंने तो बाय मिस्टेक चलो बना दी, फेमस हो गई कोई और, तो काइंडली आप उसको ना कि लेट डाउन करें, आप उसको थोड़ा मोटिवेट करें कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, अगर आपको अच्छी लग रही तो अच्छे तरीके से, इनोसेंट तरीके से आप उसको शेयर करें, आप उसको हौसला दें, ना कि आप उसको बोलें वाजिबुल कत्ल है और कमेंट्स में लोग गलत गलत बातें करें। तो देखिए, अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि तुम गलत हो, ऐसी हो, ऐसी हो, तो अगर आप अच्छे लोग हैं तो आप गालियां ना दें, आप अपना आप तो बताए ना कि आप अच्छे खानदान से हैं, आपके पेरेंट्स ऐसे हैं वैसे हैं। यार मैं जस्ट अपने तक महदूद थी, मैं अल्लाह माफ करे वीडियो में कोई गलत कपड़े नहीं पहने हुए, कोई मैंने गलत बात नहीं की, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैं जस्ट अपने फ्रेंड्स की सर्कल तक एक बात बोल रही थी, और मुझे नहीं पता था वो इतनी वायरल हो जाएगी। सो मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं लाजमी करना चाहती हूँ कि
अगर मैंने बाय मिस्टेक से ये वीडियो वायरल हो गई, एक तो ये ड्रामा नहीं था, दूसरी बात ये कि ये वीडियो को आप पॉजिटिवली नेगेटिव नहीं लें फॉर गॉड से, ठीक है। और आप सब लोग अच्छे हैं, अच्छे मुल्क से हैं, मुसलमान हैं, आप गलत कमेंट्स नहीं करें। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जिस जिसने गलत कमेंट किया वो डिलीट कर दें प्लीज। तो अब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अब आगे मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि लोगों में अगर कुछ थोड़ा सा है, स्पार्क है कुछ करने का, तो उसको दबाएंगे, उसको थोड़ा सा हौसला देंगे, चलो यार करो हम आपके साथ हैं। अगर आपके मुल्क में से कोई लड़का, कोई लड़की, कोई भी कहीं सामने नजर आता है, रोशन होता है, तो वो आपके मुल्क का फायदा है, ना कि आपका नुकसान है। इसमें आपके मुल्क की तरक्की है, आपके मुल्क की इसमें कोई कोई बिस्ती वाली बात नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमारे पाकिस्तानी हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते। मैं तो गवर्नमेंट से मैंने इतना रो रो के बोल दिया वीडियो में, और मैं मजीद कहूँगी कि प्लीज़ इमरान खान साहब और पीटीए की हुकूमत और जो सब लोग हैं, आप इस टिकटॉक को खोल दें, लेकिन हाँ आप उन लोगों को ज़रूर बैन करें जो गलत वीडियो बनाते हैं, गलत मैसेज देते हैं, बच्चों को फैमिली देखती है उनको ख़राब करते हैं, आप उसको दस्ती ब्लॉक करो। और हाँ, जो व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट ज़रूर करें, ना कि आप गलत वीडियोस के मज़े लेते रहें, आप उसको रिपोर्ट करेंगे तब ही वो वीडियो बैन होगी, ना कि आप लोग देखते रहें मज़े भी लेते रहें और उसको इस तरह से करें। हुकूमत अगर कोई स्टेप ले रही है तो उसके साथ साथ हम सब व्यूवर्स का भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि जो आपको ठीक नहीं लग रही आप उसको रिपोर्ट करें, उसको ब्लॉक करें। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने शाना की बातें सुनी है कि अगर टिकटॉक को पाकिस्तान में चलाना है तो उसके लिए हमें उसे मुकम्मल तौर पर रेगुलेट करना चाहिए, उस पर मवाद अच्छा हो, ताकि हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लें उनके लिए वो बेहतरीन मवाद साबित हो, ना कि कोई वल्गैरिटी हो। इससे पहले बांग्लादेश में भी टिकटॉक को पोर्नोग्राफी की वजह से बैन किया गया था, इसी तरह इंडोनेशिया में भी टिकटॉक को बैन रखा गया, और हमारे हमसाया मुल्क में 2-3 माह पहले टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। और पिछले माह ही पाकिस्तान में डेटिंग ऐप्स, खासतौर पर टिंडर और जिंडर जैसे ऐप्स को भी बैन कर दिया गया। इस तरह पाकिस्तानी हुकूमत तो अपना अहम किरदार अदा कर रही है, लेकिन इस हवाले से हमारी आवाम किस तरह से अपना अहम किरदार अदा कर सकती है, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। इसी के साथ अपने होस्ट अवैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, और आपसे मुलाकात होगी जलालत प्रोग्राम की एक नई किस्त के साथ और एक नए मेहमान के साथ। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सफ़र.pk को सब्सक्राइब करें।